हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सुहान और आज का वीडियो का टॉपिक है कि आप गूगल अकाउंट का अपने खुद के फोन से कैसे रिमूव करोगे। तो दोस्तों, क्या होता है किसी और का गूगल का अकाउंट लेते हो या किसी ज़रूरत के लिए किसी और का अकाउंट आपको लेना पड़ता है, फिर लॉगिन करते हो आपके फ़ोन में, फिर उसको आप रिमूव नहीं कर पाते, लॉगआउट कर पाते हो लेकिन वो रह जाता है आपके फ़ोन में, परमानेंटली रिमूव नहीं होता है लॉगआउट करने से, ठीक है, फिर से आ जाता है। तो आप परमानेंटली कैसे गूगल अकाउंट को रिमूव करोगे खुद के फ़ोन से। सो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। तो आज मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्स बताऊंगा कहाँ पर है ऑप्शन और कैसे क्या करना है जिससे गूगल अकाउंट डिलीट हो जाएगा परमानेंटली और आपके फ़ोन में नहीं रहेगा। सो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना लास्ट तक, क्योंकि अगर स्किप कर दिया तो समझ में नहीं आएगा क्या है क्या नहीं, क्या करना पड़ेगा। आपको लाइव प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगा, एक अकाउंट में रिमूव करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। सो दोस्तों, चलते मेरे फोन के स्क्रीन पे, फिर मैं दिखाता हूँ कहाँ पर वो ऑप्शन है जहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। सो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ मेरे फ़ोन के स्क्रीन पे। तो आपको क्या करना है गूगल अकाउंट को रिमूव करने के लिए, तो आपको सिंपली जाना है जीमेल में, ठीक है। सबके फ़ोन में जीमेल का ऐप रहता है, तो जीमेल को ओपन कर लेना है आपको। तो जीमेल को ओपन करने के बाद यहाँ पर जितने भी आईडी है आपको सब यहाँ पर दिखाएगा। राइट साइड के ऊपर एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है, लोगो दिखाएगा या जो नाम है आपका, वो नाम के फर्स्ट वर्ड दिखाएगा, ठीक है, ईमेल आईडी का जो फर्स्ट वर्ड है वो दिखाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर ओके करना है। आपको यहाँ पर ओके करने के बाद आप जो ईमेल आईडी आपके फोन में है, मतलब आप जो गूगल अकाउंट आपके फोन में लॉगिन है, सब यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो जो आपको रिमूव करना है उसको पहले आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कैसे सिलेक्ट करो, सिंपली ओके करने से सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करने के बाद फिर से ओके करना है, फिर से ओके करने के बाद मैनेज अकाउंट ऑन दिस डिवाइस, तो यहाँ पर आपको ओके करना है। सिंपली ओके करने के बाद ऐसा कुछ मैंने हो जाएगा, तो ओपन होने के बाद यहाँ पर गूगल लिखा होगा, तो यहाँ पर ओके करना है गूगल में। गूगल में ओके करने के बाद यहाँ पर जो आपको फिर से क्या करना है, जो आईडी रिमूव करना है उसको ओके कर देना है। उसको ओके करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, आप देख सकते हो राइट साइड में नीचे लिखा है डिलीट, ठीक है। तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पर अगर आप डिलीट करोगे, ओके करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कॉन्फर्मेशन के लिए बोल रहे हैं, डिलीटिंग अकाउंट विल डिलीट ऑल दिस मैसेज, मतलब सब, मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं कि फ़ोन से ये वाला आईडी आपका डिलीट हो जाएगा, फिर नहीं मिलेगा आपको, तो ऐसा कुछ लिखा है ऊपर। तो यहाँ पर फिर से रिमूव का एक ऑप्शन आ गया है, तो फिर से आपको रिमूव में ओके करना है। रिमूव में ओके करने के बाद आपका आईडी अब नहीं रहेगा, ठीक है, आपके फ़ोन से डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा, आपको फिर कभी भी नहीं मिलेगा वो आईडी। अगर आपके पास पासवर्ड रहेगा फिर आपको पहले से तो फिर से आपको पहले जैसे ही लॉगिन करना है। अगर नहीं है तो आपको कभी भी आप अपने फ़ोन में वो वाला आईडी आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे आप परमानेंटली डिलीट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। तो ऐसे जीमेल में जाके वापस सिंपली आप डिलीट कर सकते हो परमानेंटली अपने अकाउंट को, ठीक है, अपने गूगल अकाउंट को। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना।